हेलो, आज हम बात करेंगे 2021 में आने वाले यूपी बोर्ड के 12th के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो कोरोना महामारी के दौरान स्कूल और कॉलेज बंद हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो गवर्नमेंट ने अर्थात हमारी सरकार ने कुछ सिलेबस कम किया है और पेपर का थोड़ा सा पैटर्न भी बदला है। जो नंबर कुछ पोर्शन हटाया है उसके बदले के नंबर दूसरे क्वेश्चंस में ऐड किए हैं। तो ये जो बदलाव हुए हैं ये सब साहित्य वाले पोर्शन में हुए हैं। जो सेक्शन ए हमारा रहता है 12th के इंग्लिश के पेपर का, उसमें ये सब बदलाव हुए हैं। सेक्शन बी जैसा था वैसा ही है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सा पोर्शन हमारे सिलेबस से हटाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन हमारा आएगा प्रोज से। प्रोज हमारी अब 19 नंबर की आएगी और पहला खंड इसका होगा, प्रोज के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा एक्सप्लेनेशन विथ रिफरेंस टू कॉन्टेक्ट। एक वन पैसेज, एक दो पैसेज दिए होंगे, उनमें से एक पैसेज का आपको एक्सप्लेन करना होगा, एक पैसेज को रेफरेंस और कॉन्टेक्ट के साथ। ये हमारा आएगा 10 मार्क्स का, यानी कि 10 नंबर का। दूसरा हमारा आएगा इसी में बी पोर्शन, इसका आएगा वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रोज की बुक से ही हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसे हम 30 वर्ड्स में लिखते हैं। ये आएगा हमारा 5 नंबर का। उसके बाद इसका पहले क्वेश्चन का सी पोर्शन आएगा वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी हमारी जो प्रोज के पीछे लेसन के पीछे दी रहती है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, उसमें से आएगा। और ये आएगा हमारा 4 नंबर का। तो 4 नंबर की वोकैबुलरी, 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन। इस तरह करके हमारे प्रोज से 19 नंबर का पूछा जाएगा। 19 नंबर हमारे प्रोज के रहेंगे। सेकंड नंबर पर आते हैं पोएट्री। पोएट्री से आएगा हमारा 17 नंबर का। तो इसका एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के ही दो पार्ट। ए पार्ट में आएगा एक्सप्लेनेशन विद रिफरेंस टू कॉन्टेक्ट वन एक्सटेंट। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक पोएट्रिक लाइंस दी रहेंगी, कुछ चार छह जो भी एक पैरा उनका बनता है उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा और वो हमारा होगा 10 नंबर का। बी क्वेश्चन आएगा इसी में, बी पार्ट इसका आएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पॉइंट। हमारे पॉइंट 10 थी, उनमें से 3 हटा देंगे, 7 पॉइंट रह गई हैं, उनमें से एक का सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा और ये रहेगा 7 नंबर का। तो ये थी हमारी पोएट्री 7 और 10, 17 नंबर की, 17 नंबर की, 10 और 7 17 नंबर की पोएट्री हो गई। उसके बाद हमारा प्ले आता था, उसे हटा दिया गया कोर्स से, तो शॉर्ट स्टोरी जाएगी। शॉर्ट स्टोरी में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट स्टोरीज की जो हमारी बुक है उससे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन को दोनों को 5-5 नंबर से डिवाइड किया जाएगा। तो 5-5 नंबर के दोनों 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह शॉर्ट स्टोरी से हमारा 10 नंबर का आएगा। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, तो हमारे यहाँ 7 फिगर ऑफ स्पीच लगे हुए हैं। सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, ये सब फिगर ऑफ स्पीच है। तो इनमें से एक का आएगा, ये रहा वन विथ टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखने होंगे, ये आएगा हमारा 4 नंबर का। तो ये था हमारा ए सेक्शन का सिलेबस, ए सेक्शन का पैटर्न पेपर का। इसके बाद सेक्शन बी आएगा जो हमारे ग्रामर से लिया जाएगा। तो उसमें 5वां क्वेश्चन, उसमें उसका ए पार्ट आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 नंबर के, सिंथेसिस 2 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का, सिंटेक्स 2 नंबर का। तो ये हो गए 8 नंबर का। उसके बाद वोकैबुलरी से आएगा सिनोनिम्स 3 नंबर का, एंटोनिम्स 3 नंबर, वन वर्ड 3 नंबर, इडियम एंड फ्रेजेस ये 3 नंबर और होमोफोन्स ये 2 नंबर का। ये मिलाकर के वोकैबुलरी से हमारा आएगा 14 नंबर का। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन, 7 क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी दी होगी उसकी आपको इंग्लिश बनानी पड़ेगी 10 नंबर का। किसी किसी मंडल में तो ये ट्रांसलेशन चलता है, कुछ मंडलों में गद्यांश या पद्यांश का सारांश लिखना पड़ेगा। ये 3 इसका पार्ट आएंगे, आपको एक करना पड़ेगा ट्रांसलेशन, फिर अथवा किसी गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा उसका हमें सारांश लिखना पड़ेगा, और उसके बाद अथवा लगा करके है 1500 ईस्वी के बाद अंग्रेजी साहित्य है हमारा जो 1500 ईस्वी के बाद का, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उनके हमें आंसर देने होंगे। लेकिन जहां जिसका जो चलता है इसमें से हमें एक पार्ट ही करना है, अथवा लगा हुआ है तीन पार्ट दिए हुए हैं तो हमें एक पार्ट करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा एस्से राइटिंग, ये हमारा 12 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा अनसीन पैसेज, इसमें दो क्वेश्चन आएंगे और ये हमारे तीन तीन नंबर के होंगे, 6 नंबर का आएगा। तो ये था हमारे पेपर का पैटर्न, एक ही पेपर होगा और ये 100 नंबर का हमारा पेपर होगा। इसके बाद अब आपको मैं बता रही हूँ कि कौन सी बुक से क्या क्या चीज हटाई गई है, सिलेबस से क्या क्या चीज कम की गई है। हाँ, तो ये है हमारा वो वाला पोर्शन जो हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया है, जो पोर्शन हमारे सिलेबस से हटाया गया है वो ये है। ऊपर मैंने लिख दिया पाठ्यक्रम से हटाया गया भाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोज में, प्रोज में क्या हटाया गया है। प्रोज का लेसन नंबर 3 सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसे हमारे सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। उसके बाद है 5th नंबर का लेसन नंबर 5 आई एम जोन्स है, इसे भी हम इस साल नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे प्रोज से ये दोनों लेसन हटा दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं पोएट्री, तो पोएट्री का पोएम नंबर 4 फ्रॉम एन इलेजी रिटर्न ए कंट्री चर्चयार्ड, 4 नंबर की पोएम फ्रॉम एन इलेजी रिटर्न ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको हटाया गया है सिलेबस से। उसके बाद 6 नंबर की पोएम ला बैलेडेम सेंस मर्सी, इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद है 9 नंबर की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज की बुक में द स्पेशल 4th नंबर का लेसन द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये वाली स्टोरी सिलेबस से हटा दी गई है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर पर प्ले, हमारा प्ले चलता था मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस साल ये प्ले सिलेबस में नहीं आएगा, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब देखिए हमारा कितना सिलेबस कम हुआ है, प्रोज में थे हमारे 7 लेसन, उनमें से 2 लेसन हट गए हैं तो हमें पढ़ने हैं 5 लेसन। पोएट्री में हमारी 10 पोएम थी, 3 पोएम हट गई, इसमें हमें पढ़नी है 7 पोएम। शॉर्ट स्टोरीज में हमारी 4 स्टोरीज थी, उसमें से 1 हट गई, 3 स्टोरी पढ़नी है और प्ले हमें इस ईयर पढ़ना नहीं है। तो ये था हमारा सिलेबस जो बहुत कम रह गया है, 30% गवर्नमेंट ने इसे कम कर दिया है। अब बहुत कम सिलेबस है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने की मौका मिला हुआ है। तो अब मैं एक एक करके इन सबको आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी।